दोस्तों सफ़र शुरू होता है हमारा। अब यूँ तो हम पिछले 5 घंटे से सफ़र में हैं, फैसलाबाद से 2.5 घंटे का सफ़र हमने मुल्तान का किया और मुल्तान से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ हम इस वक्त डेरा गाजी खान में स्टील ब्रिजेस के पास खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से आगे बहुत खूबसूरत देखने लायक मंजर आएंगे जो हम साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। मंजिल हमारी फोर्ट मनरो है, जिसकी सैर तो आपको लाजमी कराएंगे, साथ साथ इसकी तारीख के बारे में भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं दास्तानें माजी। आप भी सोच रहे होंगे तारीख का चैनल है, इस पर ये व्लॉग कैसा? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम आपको सैर के साथ साथ तारीख से भी आगाह करेंगे। आप जो ब्रिजेस देख रहे हैं ये सारे के सारे स्टील से बनाए गए हैं। इन पर कंक्रीट सिर्फ कारपेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये इतने बड़े ब्रिजेस हैं कि इनका शुमार एशिया में दूसरे नंबर पर होता है और इनको बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और इन्हीं पर आप चलते हुए रास्ते में हसीन हसीन नज़ारे देखते हुए फोर्ट मनरो पहुंचते हैं। यकीन मानिए यहाँ पहुंचकर आपके सफ़र की आधी थकावट तो वैसे ही दूर हो जाती है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे नज़ारे हैं। मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ आप जब इन्हें देखेंगे तो आपका एक बार ज़रूर इन रास्तों से गुज़रने का दिल चाहेगा। जैसे जैसे हम फोर्ट मनरो की जानब बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही रात की काली स्याही पहाड़ों पर छाती जा रही है और आप देख रहे हैं कि वैसे वैसे ही ये नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। खैर अभी हमें रास्ते में कुछ दोस्तों को भी लेना है तो लगता है हम रात को देर से ही फोर्ट मनरो पहुँचेंगे। मगर आप परेशान ना हो, उस वक्त हमसे जो कुछ हो सका हम आपको वो दिखाएंगे और जो रह गया बाकी सुबह को दिखा देंगे, परेशानी की क्या बात है इसमें।
दोस्तों, रात के इस टाइम हम फोर्ट मिनरो पहुंचे हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो अभी कुछ खा पी के इंशाल्लाह बाहर देखते हैं कि क्या नज़र आ सकता है इस टाइम, तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो सुबह इंशाल्लाह आपको सारा फोर्ट मिनरो का नज़ारा करवाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे साथ इकबाल साहब हैं और हमारे साथ और भी दोस्त हैं, इंशाल्लाह कल मिलवाता हूँ आपको उन लोगों। दोस्तों, ये फोर्ट मिनरो का मेन बाज़ार है, यहाँ पे इर्द गिर्द सारे रेस्टोरेंट हैं। हम यहाँ से खाना देखते हैं किस रेस्टोरेंट से हमने खाना है, तो खाने के बाद देखते हैं कि आगे किस तरफ जाएंगे, हम साथ साथ आपको बताते हैं। दोस्तों, ये फोर्ट मिनरो का मेन गोल बाज़ार है, यहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट, बहुत सी दुकानें हैं जहाँ से आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं, उसके अलावा आपको ख़रीदारी के लिए चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ से। और ये बाज़ार सारा दिन और सारी रात खुला रहता है, आप किसी भी वक्त आ सकते हैं और किसी भी वक्त यहाँ से कुछ भी ख़रीद सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। वैसे मैं इस वक्त रात के 1:30 बजे यहाँ पर इस बाज़ार में घूम रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि हर तरफ लोग घूम रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा है कि दिन है या रात है। और इस बाज़ार में आपको दो तरह की सब्जियां भी खाने को मिलती हैं, एक वो सब्जी जो आम तौर पर आम बाज़ार से मिलती है, और दूसरी वो ये जो देगों के अंदर बनाते हैं, आप देख सकते हैं ये देगों के अंदर पड़ी हुई है, ये सब्जी आपको यहाँ से 1400 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। और देखने में तो ये बड़ी अच्छी लग रही है, खैर अभी तो मैं टेस्ट नहीं कर रहा। अभी इस वक्त हम यहाँ से मटन बनवाने के लिए आए हैं, तो साथ साथ आपको आज बकरा ज़िबा होता भी दिखाएंगे और उसको ज़िबा होने के बाद कटता और फिर कटने के बाद बनता हुआ भी दिखाएंगे।
दोस्तों सुबह हो चुकी है, सब लोग रेडी हो रहे हैं और ये सुबह सुबह का पहला नज़ारा है। आप देख सकते हैं होटल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सामने जो पहाड़ वगैरह हैं नाड़ी हिल्स और दूसरे जो पहाड़ आप सारे मंजर देख सकते हैं। अभी हम इनके पास जाकर भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो सब लोग योगा के लिए तैयार हो रहे हैं तो हम पहले योगा करेंगे। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फोर्ड मनरो के जना पार्क में। इसके साथ ही यहाँ पे डीसी ऑफिस है जो किसी वक्त फोर्ट हुआ करता था और उसी फोर्ट को आज डीसी ऑफिस में तब्दील कर दिया गया है। डीसी ऑफिस अभी तो खैर बंद है, कोशिश करते हैं इसको खुलवा कर इसके अंदर जाकर आपको ये सारा व्यू दिखा सकें और फिर इसी के अंदर योगा क्लास भी होगी, उसका भी थोड़ा सा मंजर आपको दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे इसमें। ये फोर्ट मनरो का जनाब पार्क है, ये यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल इन्होंने लगाए हुए हैं। पार्क तो ये खैर लग नहीं रहा लेकिन वैसे इसकी चार दीवारी हुई है, लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं और स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर घुड़ सवारी करना चाहते हैं तो वो भी सहूलत मौजूद है यहाँ पे। और हाँ, यहाँ से नीचे पहाड़ी की तरफ एक अलग ही खूबसूरत मंज़र है जिसे देख कर आप उस मंज़र को देखते ही रह जाते हैं। ये जो हवाओं के बड़े बड़े पलंदे आपको आकर टकरा रहे हैं आपसे, आपका दिल करता है कि वो आपको अपनी आगोश में ले लें और आप यहीं खड़े इस ठंडी और पुरमसरत हवा से लिपट जाएं और यहीं के होके रह जाएं। हम इस वक्त फोर्ड के अंदर हैं जिसे डीसी ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी यहाँ पे योगा क्लास होगी और उसके बाद हम चलेंगे अनाड़ी हिल प्याला झील की तरफ, तो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। सब दोस्त योगा एक्सरसाइज के बाद यहाँ पे ग्रुप फोटो के लिए रेडी हैं और इसके बाद हम लोग नाश्ते के लिए निकलेंगे और नाश्ता करने के बाद हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे फोर्ड मनरो के नज़ारे। नेशनल योगा फेडरेशन, सिंबारा योगा क्लब, कैमरामैन फोर्ड मनरो से ऊपर जना पार्क जो है वहाँ से ये फोर्ड मनरो का व्यू है। ये सारी फोर्ड मनरो की आबादी है और वो सामने फोर्ड मनरो की पहाड़ियाँ हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका हम आपको जाके वहाँ तक दिखाएंगे। और अब हम आपको दिखाएंगे गोरों का कब्रिस्तान, जहाँ पे इन्होंने गोरों का कब्रिस्तान बनाया हुआ है।
यहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल है कि यहाँ पे इनको वैसे तो फातिहा नहीं कही जा सकती, लेकिन इनको डांस करके साले सवाब करेंगे, इनको बख्श देंगे डांस करके। आप देख सकते हैं कि लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं। लोग देखें जोग दर जोग आ रहे हैं, यहाँ पे गुजरने की भी जगह नहीं है, रास्ता सारा ब्लॉक हुआ है। असल में यहाँ पे ये इलाका जनूबी पंजाब में वाहद इलाका है जो इतनी हाइट पर है, और ये ठंडा इलाका है। लोग गर्मियों में परेशान रहते हैं, गर्मियों से अकता जाते हैं जब, तो सैर व तफरी करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ से एक बार फिर ख़ुद को फ्रेश करते हैं। को कंप्यूटर में होता है ना F5 का बटन, वो F5 का बटन लगाने के लिए यहाँ पे आते हैं और ख़ुद को फ्रेश करके अपना वीकेंड यहाँ गुजार के वापस चले जाते हैं। दोस्तों ये फोर्ट मिनरो के होटल हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके आप रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कार पार्किंग वगैरह, और ये बहुत अच्छा व्यू भी है, यहाँ से देखने लायक नज़ारा है। और यहाँ पे खाने पीने का भी आपको अच्छा सामान मिल जाता है। ये रमदान होटल है सामने, हम भी यहाँ से नाश्ता करने लगे हैं इस वक्त। और ये व्यू है, आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा व्यू है। और बहुत लोग गर्मियों में यहाँ पे आते हैं अपना सैर व तफरीह के लिए। आप भी आ सकते हैं, आइएगा ज़रूर और खुद अपनी आंखों से इस जगह को देखिएगा, क्योंकि कैमरे की आंख से देखना और अपनी आंख से देखने में बड़ा फ़र्क होता है। चुपा जब भी स्टार्ट है दोस्तों। जनूबी पंजाब के मरी पर हम पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ की डैमस झील है जिसे लोग डैमस झील कहते हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं कश्तियों में, और ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है। देखते ही बंदे की तबीयत फ्रेश हो जाती है। नेचर के करीब आके बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है। नेचर एक ऐसी चीज़ है, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। डैमस झील नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ पे इन लोगों ने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं ये रास्ता नीचे जा रहा है, ये सीढ़ियाँ सारी झील की तरफ जाने के लिए। वो सारे लोग नीचे एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ भी सिंधी भाई लोग आए हुए हैं, वो एंजॉय कर रहे थे ऊपर, हम उनको छोड़कर नीचे जा रहे हैं आपको ये झील दिखाने के लिए और लोगों को एंजॉय करता हुआ दिखाने के लिए। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम फोर्ट मनरो की तारीख के बारे में भी आपसे बात करेंगे। दोस्तों फोर्ट मनरो डेरा गाजी खान में सतह समंदर से 6470 फुट की बुलंदी पर एक पहाड़ी जिसका नाम मुस्तकर है उस पर वाकया है।
ये पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर डेरा गाजी खान से तकरीबन 85 किलोमीटर के फासले पर है और मुल्तान से इसका फासला तकरीबन 185 किलोमीटर है। फोर्ट मनरो जाने वाला रास्ता पाकिस्तान में एक ओपन एयर म्यूज़ियम का दर्जा रखता है, जो कि आप देख चुके हैं और आप इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे। इस पुरफ़ा मकाम पर कभी कभी बर्फ़बारी भी होती है। जी भाई, यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। खैर, आज तो बर्फ़बारी का मौसम नहीं है, लेकिन रात के वक्त यहाँ का मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया था ना कि हमें रात को सर्दी लगना शुरू हो गई थी और हमें कंबल लेके सोना पड़ा था। तो हल्के में ना लीजिएगा जनाब, जब यहाँ पे आएँ तो अपने साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी ले के आइएगा जो आपकी सर्दी से हिफाजत कर सके। गर्मियों के मौसम में जब जनूबी पंजाब में सूरज गज़ब की गर्मी बरसाता है तो आवाम की एक बड़ी तादाद इस पुरफ़ा और ठंडे तफरीही मकाम का रुख करती है। फोर्ट मनरो को अगर जनूबी पंजाब का मरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फोर्ट मनरो में सहूलियात की कमी है, अगर इस इलाके में सहूलियात फ्राहम कर दी जाएँ तो इस इलाके को पाकिस्तान में गर्मियों की बेहतरीन सैरगाह यानी कि समर रिज़ोर्ट में तब्दील किया जा सकता है, जो कि अब भी मेरे ख्याल से समर रिज़ोर्ट ही है। यहाँ पे बहुत ही भारी तादाद में लोग वीकेंड में अपना वीकेंड को खुशनुमा बनाने के लिए आते हैं। फोर्ट मनरो में जो बेहतरीन देखने के मकामात हैं उसमें पहले नंबर पे है अनारी हिल, उसके बाद झील है, फिर प्याला झील है, उसके बाद बाग और फोर्ट मनरो का बाज़ार। ये सब की सब देखने लायक चीज़ें हैं यहाँ पे आके। यहाँ पर हर साल बहुत से सयाह अपनी छुट्टियों को खुशनुमा बनाने के लिए आते हैं, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ज़रूर आएंगे। ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के वो लोग जो गर्मी और ज़हनी तनाव से तंग आ जाते हैं, वो लोग रिफ़्रेशमेंट के लिए फोर्ट मनरो का रुख करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस शहर की बुनियाद कब और कैसे रखी गई, तो मैं बताता हूँ, परेशान ना हो आप। इस शहर की बुनियाद 19वीं सदी में सर रॉबर्ट ग्रोस सैंडमैन ने रखी थी और उसने इसका नाम कर्नल ए मनरो के से फोर्ट मनरो रख दिया। कर्नल ए मनरो उस वक्त डेराज डिवीजन के कमिश्नर थे। उस वक्त अंग्रेज़ लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए यहां पर आते थे। अंग्रेज़ों ने अपनी छुट्टियां खुशनुमा और रंगीन और गर्मियों से बचने के लिए इस इलाके को तामीर किया था, जहां पर ये लोग आकर अपनी छुट्टियां गुजारा करते थे और ठंडी ठंडी हवाओं से लुत्फ़ उठाया करते थे। उसके बाद अब भी लोग गर्मियों में यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ के बेहतरीन पुरफ़ा मौसम से लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी यहाँ पर लाजमी आएँगे। दोस्तों, ये फोर्ट मनरो की झील है, जहाँ पर हमारे सिंधी भाई इसको देखकर इतने लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि ये लोग सिंधी भंगड़ा डाल रहे हैं। इसे मेरे ख्याल से सिंधी भंगड़ा तो नहीं कहेंगे, ये जमालो लुडी जो सिंध में चलती है ये वो डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना इस मूवमेंट को इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा पहला व्लॉग और यहाँ की तारीख जो हमने आपको बताई है, इसको तारीख कहें या यहाँ की दास्तान कहें, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, ताकि ऐसी ही शानदार प्लेसेस हम आपको दिखाते रहें और उनकी तारीख से आगाह करते रहें। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।